राजघाट थाने की पुलिस ने दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो शातिर वाहन चोरों को हरबट बंधा सब्जी मंडी से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान अविनाश चौहान पुत्र सुग्रीव चौहान निवासी हर सेवकपुर नंबर 1 थाना चिलवाताल गोरखपुर, दूसरा अनिल चौहान पुत्र रुदल चौहान निवासी राप्ती नगर हर सेवकपुर नंबर 1 थाना चिलवाताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से चोरी की 4 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह, टीपी नगर चौकी प्रभारी कुंवर गौरव सिंह, कांस्टेबल देवेंद्र यादव, पवन यादव, अंजनी राय, महिला कांस्टेबल अनु सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में कल थाना राजघाट की टीपी नगर चौकी क्षेत्र में प्रतिदिन की तरह शाम के समय चेकिंग की जाती रही है। उसी दौरान उसी चेकिंग में एक बाइक सवार है जिनको बैरियर पर रोका गया, तो रोकने के बाद में यूटर्न लेके वहाँ से भाग गया और उस पर शक होने पर पुलिस ने उसको कैमरे से ट्रेस आउट करते हुए उनके वीडियो फुटेज निकाला और उनके चेहरे के आधार पर पता रसी सुराग रसी की, तो पता उन दो चोरों का पता चला जिनका नाम अविनाश चौहान और अनिल चौहान है, जो चिलवाताल के रहने वाले हैं, और उसी पता रसी सुराग रसी के आधार पर फिर उनको हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर बाद में पता चला कि वो एक पेशेवर चोर हैं और उनके पास से कुल 4 बाइक बरामद हुई है जो उन्होंने अभी तक बेची है, और भी पूछताछ चल रही है जिसमें और भी अन्य भी बाइक होने की संभावना है। तो ये थाना राजघाट की एक अच्छी सफलता मिली। इन लोगों का बैकग्राउंड नशे के आदि हैं ये लोग, और एक के ऊपर पूर्व में अनिल चौहान के ऊपर 5 मुकदमे हैं और अविनाश चौहान के ऊपर 7 मुकदमे हैं, जो कि सारे के सारे चोरी के ही मुकदमे हैं। बाइक को ये बेचने आ रहे थे उस दिन शहर में किसी व्यक्ति के पास, अभी तक उसका पता नहीं चला है। पूछताछ में उम्मीद है कि इस तरह की सारी बाकी डिटेल में जाएंगे। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत शहर में करीबन 200 से ज़्यादा कैमरे शहर क्षेत्र में लग चुके हैं और भी 279 कैमराज की लिस्ट एडीजी महोदय को भेजी जा चुकी है, जो कि विभिन्न फंड और उनके माध्यम से लगने हैं। लेकिन इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है कि उसकी वजह से ना कि सिर्फ क्राइम कम हुआ है, गिरावट हुई है, बल्कि जो क्राइम होता है उसके वर्कआउट होने का प्रतिशत भी बढ़ा है। और ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंदर जितने भी कैमरे हैं वो आईपी बेस्ड कैमरे हैं, तो उनसे तुरंत बीपीओ अपने कैमरे के अंदर लॉगिन करके जो घटना हुई है उसको तुरंत का तुरंत वर्कआउट कर सकता है। तो उसके आधार पर अगर मान लो किसी प्रकार का कोई मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो या यहाँ पर कोई चोरी हुई हो, किसी भी चीज़ करो, उसको रियल टाइम में चेक किया जा सकता है, जो कि पुलिस के लिए बहुत बड़ा मददगार एक राय है।